सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप ट्रिक्स एंड बग बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना रैंक इजीली पुश कर सकते हो एंड आप अपने एनिमी को इस तरह चौंका सकते हो कि वो डर के मारे आपका गेम बैक कर जाएगा और आप इजीली उससे बच सकते हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उससे पहले गाइस, आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में 10 कोबरा बंडल के गिव अवे। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 कोबरा बंडल का गिव अवे है। 10 लकी विनर्स को मिलेगा कोबरा बंडल। अब देखो, उसके लिए आपको 10 सेकंड का काम करना है, बस 10 सेकंड का 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहले तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, सबसे पहला स्टेप। सेकंड में आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, तभी आप जीत सकोगे। थर्ड में आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है अपना गेम का यूआईडी कमेंट करोगे, जिससे हम कमेंट पिकर से आपकी यूआईडी के थ्रू आपसे हम कांटेक्ट कर पाएंगे और आप विनर होगे तो आपको हम कोबरा बंडल टॉप अप करके निकाल के देंगे। एंड गाइस, फोर्थ में आपको करना क्या है कि पूरी वीडियो देखने के बाद, अपना आईडी कमेंट करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहीं पर विनर अनाउंस किए जाएंगे और उनका निकालने के बाद, बंडल निकालने के बाद जो रिएक्शन होगा वहीं पे आपको दिखाऊंगा। आई होप गाइस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये 4 स्टेप आप अच्छे से कर लेते हो तो आप कोबरा बंडल के विनर 100% हो सकते हो, आपका लक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सो बढ़ते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ। सो गाइस, आज का हमारा पहला ट्रिक होने वाला है टेलीपोर्ट ट्रिक। जी हां गाइस, आप अपने आप को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हो हैकर की तरह एकदम। मान लो आपके डबल डोर पे पूरी स्क्वाड बैठी है या फिर किसी टावर पे और आप अकेले, तो आप जानते हो अगर जाओगे तो मर जाओगे। तो आपको करना क्या है, मान लो आप नीचे हो तो आपको क्या करना है, अपना डाटा जैसे ही ऑफ करना है वैसे ही ऑन करना है, मतलब ऑफ करो उसके बाद क्विकली ऑन करो। एंड गाइस, डाटा ऑफ करते ही ऑन करने के बाद आपको दौड़ के ऊपर जाना है और जहां पे एनिमी होगी वहां पे आपको बैठ जाना है, क्योंकि आपका यहाँ पे 99 प्लस हो चुका है और तब तक वेट करना है जब तक आपका पिंग सही नहीं हो जाता। और एकदम से आप इनके पास टेलीपोर्ट हो जाओगे, ये चौंक जाएंगे एकदम, मतलब सरप्राइज हो जाएंगे और आप इनको इजीली मार सकते हो, पूरी स्क्वाड को खत्म कर सकते हो। यहाँ देखो मेरा 99 प्लस है, अब मेरा पिंग सही होने लगेगा। और गाइज, अपने फ्रेंड के साथ ये ट्राई करके देखना। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि आपको कैसा नजर आया, तो उनको ये दिखा कि गाइज मैं नीचे से एकदम छत को तोड़ता फोड़ता ऊपर आ गया, टेलीपोर्ट हो गया। तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये ट्राई करके बताना और गाइज ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज, बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। सो गाइस, हमारा सेकंड ट्रिक भी बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है। इसमें आपको एक कार की जरूरत पड़ेगी और आपको समन एयर ड्रॉप लेके आना है गेम में, और एयर ड्रॉप को आपको किसी सड़क पे या फिर कहीं पे भी रोड पे गिराना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, अपना आपको डाटा ऑफ कर लेना है। डाटा ऑफ करोगे उसके बाद आपका 99 प्लस हो जाएगा। और गाइस, ये बहुत ज्यादा धमाकेदार और बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, मतलब आप एनिमी को ऐसा सरप्राइज करोगे ना वो डर जाएगा भूत समझ के। यहां पे डाटा ऑफ कर दिया और आपका 99 प्लस हो जाएगा। उसके बाद गाइस, आपको यहां पे 30 से 40 सेकंड तक आपका डाटा ऑफ होना चाहिए, 99 प्लस होना चाहिए। 30 से 40 सेकंड के बाद आपको फिर से डाटा ऑन करना है। डाटा ऑन करने के बाद कार के पास आना है। कार के पास आने के बाद आपका पिंग सही करने का, मतलब पिंग सही होने का वेट करना है। पिंग सही होने के बाद गाइस, आपको कार को ड्राइव करके जहां पे आपने एयर ड्रॉप को गिराया था वहां पे थोड़ा सा ड्राइव करके आगे बढ़ा देना है। देखो यहां पे मेरा पिंग सही हो चुका है और एयर ड्रॉप की लाइन वहां पे लाइट दिख रही है मुझे, लेकिन एयर ड्रॉप नहीं दिख रहा। वहां पे जाके आपको कार लगा लेनी है और यहां पे जॉन भी आ चुका है। कार लगाने के बाद गाइस, आपको उतर जाना है। और गाइस, आप यहां पे देख सकते हो कार हवा में है। गाइस लिटरली यहां पे देखो गाइस, फाइनली यहां पे कितना डरावना लग रहा है, मतलब कार हवा में अमेजिंग लग रहा है। गाइस आपको पता है एयर ड्रॉप मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन एयर ड्रॉप के ऊपर कार है। एनिमी देखेगा ना तो उसको एयर ड्रॉप के ऊपर कार नजर आएगी, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। यहां पे देखो मैं मरने वाला हूं, लेकिन आपको सही से दिख जाएगा कि मैं, ये देखो एयर ड्रॉप पे, देख रहे हो यहां पे एयर ड्रॉप पे कार है। और गाइस कितना ज्यादा ऑसम है, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। सो गाइस, थर्ड ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो बिना मरे बिना किल हुए। यहां पे देखो इस वाले ट्री के पास आ रहे हैं, क्लॉक टावर के इस वाले ट्री के पास, और ऐसे इस तरीके से आपको ग्लोअल लगाना है। ग्लोअल लगाने के बाद ऊपर आना है, ऊपर इसी ग्लोअल पे एक और ग्लोअल लगाना है, जिससे आप उस ग्लोअल पे चढ़ के दूसरे ग्लोअल पे चढ़ पाओ। एंड वो ग्लोअल लगाने के बाद ठीक उसी तरीके से एक और ग्लोअल लगाना है, मतलब तीन ग्लोअल यहां पे ऐसे इस तरीके से लगाना है आपको। उसके बाद गाइस, आपको इन ग्लोअल्स पे चढ़ना है जिससे आप इस ट्री पे जा पाओ। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और सबसे ऊपर वाले ग्लोअल पे आने के बाद गाइस, आपको कुछ इस तरीके से एक और ग्लोअल लगाना है। देखो नीचे करके, मतलब नीचे जिस पे आप चढ़ पाओ, ठीक है, इसी ग्लोअल पे देखो इस तरीके से। देखो मैंने यहां पे फिट कर लिया और लगा देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि उस पे आप चढ़ सको। देखो यहां पे थोड़ा सा ऊपर लगा दिया इसलिए मैं इस पे थोड़ा जंप नहीं कर पाया, आपको थोड़ा नीचे करके लगाना है इसको ग्लोअल को, ठीक है, जिससे आप इस पे जंप कर पाओ। और जंप करने के बाद आपको गाइस यहां पे समन एयर ड्रॉप को इसी ग्लोअल पे गिरा के और ग्लोअल को फोड़ देना है। गाइस एयर ड्रॉप आपका हवा में रहेगा और आप उस एयर ड्रॉप पे आराम से बैठ के सो के रैंक पुश कर सकते हो, और वो झाड़ी में आप छुप के इजीली अपना रैंक बहुत ज्यादा पुश कर सकते हो। और आपको पता है कि क्लॉक टावर पे कितना ज्यादा जॉन बनता है, और इजीली आप यहां पे बिना किल किए, मतलब बिना किसी से मरे हुए, आप इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो गाइस ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अपने फोर्थ ट्रिक की तरफ। सो गाइस, फोर्थ ट्रिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है। आप इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो उसी तरीके से जिस तरीके से पहले मैंने बताया। यहां पे गाइस आपको अपने टीममेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक जीप लेना है आपको और किसी भी वॉल के पास, यहां पे इस वॉल पे आपको दिखाता हूं, इस वॉल पे आपको इस तरीके से बैठ के फीस्ट मारना है और अपने टीममेट को कहना है धीरे से धक्का मारे, मतलब धीरे से धक्का मारे अपने जीप से।
और जीप से धीरे से पुश करने के बाद फाइनली गाइस आप दीवार के अंदर चल जाओगे और आप अपने एनिमी को दिखोगे भी नहीं और आप उसे मार भी सकते हो गाइस। और आप इस किसी भी वॉल को मतलब किसी भी वॉल पे आप इसको ट्राई कर सकते हो इस ट्रिक को, और आप वॉल के अंदर फाइनली घुस के उसके बाद आप किसी को भी मार सकते हो, मतलब लूट करने के बाद आप दीवार में घुस के अपना इजीली रैंक पुश कर सकते हो। सो गाइस ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वाले ट्रिक की तरफ। सो गाइस अपना फिफ्थ ट्रिक भी बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है क्योंकि गाइस इसमें आप इजीली किसी को भी किल्स कर सकते हो आराम से बिना मारे। यहां पे देख सकते हो इस वाले ट्री पे आपको चढ़ जाना है पीक पे बरमुडा रिमास्टर्ड में। अगर आपका रैंक मैच लग जाता है तो आपको इस केले के पेड़ पे आना है और आपको यहां पे लैंडमाइन ऊपर चढ़ के लगा देना है। वो लैंडमाइन हवा में रहेगी और ग्रीन ग्रीन ट्री में वो ग्रीन ग्रीन लैंडमाइन कभी नहीं दिखेगा किसी भी एनिमी को, और वहां आते ही वो गाइस फट जाएगा। यहां पे देखो एक एनिमी भी आ चुका है गाइस, इसको मारने का ट्राई करते हैं लेकिन यहां पे किसी और ने मार दिया। यहां पे गाइस देख सकते हो ये कितना रेड रेड लग रहा है, मैंने दो लैंडमाइन यहां पे लगा दिया। अब सोचो यहां पे अगर दो या एक या तीन आप लैंडमाइन लगा देते हो गाइस और कोई एनिमी आके यहां पे कवर लेने का ट्राई करेगा तो वो तो खुद ही फट के मर जाएगा। अगर सोलो मैच खेलते हो रैंक मैच तो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस बोनस में आप सभी को ये लास्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। यहां क्लॉक टावर पे आप जब सीढ़ी से चढ़ते हो तो ऊपर अगर एनिमी मिल जाते हैं स्क्वाड मिल जाती है तो आपको इजीली वो मार सकते हैं, लेकिन गाइस आपको अगर पहले से पता करना कि एनिमी है या नहीं तो यहां पे आपको इस वाले वैन पे आना है जो यहां पे खड़ी रहती है। इस तरीके से आपको चढ़ के यहां से इजीली आप देख सकते हो गाइस कि ऊपर बंदे हैं या नहीं, आपको पूरा व्यू नजर आ जाएगा। हो सके तो आप अच्छे से अगर जंप करके ट्राई करो तो आप उनको मार भी सकते हो अच्छे तरीके से अगर हेड लगा तो। गाइस ये ट्रिक भी काफी ज्यादा ओपी है अगर आप सोलो बच जाते हो अपने स्क्वाड में और स्क्वाड आपकी खत्म हो चुकी है, आप अकेले बचे हो तो आप ये ट्रिक का यूज करके एनिमी का पता कर सकते हो कि क्लॉक टावर के ऊपर एनिमी है या नहीं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक। एंड गाइस अगर कोबरा बंडल बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी गेम की यूआईडी जरूर से कमेंट कर लेना जिससे आपसे हम कॉन्टेक्ट कर सके, गेम में रिक्वेस्ट भेज के आपका फ्रेंड बन सके और आपको हम टॉप अप करके बिल्कुल फ्री में आपका कोबरा बंडल आपको बिल्कुल फ्री में निकाल सके। एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस जरूर, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ही विनर हो और आपका अनाउंस कैसे होगा वहां पे, तो वहीं पे अनाउंसमेंट होने वाला है विनर का। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।